अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सोना आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये स्वीट डिश, जो कि आज मैंने बनाया है लौकी का हलवा। देखने से आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ बना के लेकर आई है आज आपकी दोस्त सोना। तो आज मैं आपके लिए ये लौकी का हलवा बना के लाई हूँ फ्रेंड। ये ऐसा होता है ना, घर में फैमिली में हमारे लोग लौकी वगैरह खाना बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से लौकी का हलवा उनको बना कर खिलाएँगे तो 100% उनको ये लौकी का हलवा बहुत पसंद आने वाला है। और लौकी हेल्थी कितनी होती है सेहत के लिए, ये तो सभी को पता है फ्रेंड। तो चलिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, और अपनी दोस्त सोना को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को, कैसे हमने इसको बनाया है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स किए हैं, ये तो आपको मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा फ्रेंड। लौकी का हलवा हम बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने लिए 600 ग्राम के करीब लौकी, और इसको मैंने कद्दूकस करके इसका पानी निचोड़ के रख लिया। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो हमारा कढ़ाई में ड्राई हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे हमें इसको बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं दिखा देती हूँ, मैंने थोड़े से लिए ड्राई फ्रूट्स, आधी चम्मच के करीब लिया है मैंने इलायची पाउडर, और थोड़ा सा लिया है मैंने खोया। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं हम। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए एक अपनी कढ़ाई, इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी। अब हमें अपना घी गरम नहीं करना है, बस हमें अपनी इसमें सबसे पहले लौकी डाल देनी है जो हमने अपने कद्दूकस कर करके रखी हुई है फ्रेंड। इसको हमें अच्छे से पका लेना है। क्योंकि लौकी में पानी बहुत छूटता है, इसलिए मैंने पहले से ही इसको अपने हाथों से काफ़ी निचोड़ लिया था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत जो पानी रह जाता है वो भी हम नहीं कढ़ाई में ही जला देंगे उसको। इसको हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, जिससे जो है इसका पानी भी जल जाएगा और ये थोड़ी मुलायम भी हो जाएगी, पक भी जाएगी। देखिए फ्रेंड, हमारी लौकी अच्छे से भुन गई है, काफ़ी इसमें जो पानी था वो सारा ही ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम 1/2 लीटर के करीब दूध। ये देखिए मैंने इसमें 1/2 लीटर के करीब दूध डाल दिया है। इसको अच्छे से हम पका लेंगे दूध ही से, क्योंकि दूध से बनने से क्या होता है, ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही इसके अंदर एक सौंधापन सा आता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से कभी घर पे लौकी का हलवा बनाएंगे तो आपकी फैमिली तो यकीन जानिए पहचान ही नहीं पाएगी कि वो लौकी का हलवा खा रही है या कोई बाहर की मिठाई खा रहे हैं दुकान की, बिल्कुल बाहर की मिठाइयों जैसा ही टेस्ट आता है। तो चलिए इसको हम अभी खुद और पकने देते हैं। इसको हम अच्छे से पकाने के लिए क्या करते हैं, इसकी हम जो फ्लेम है इसको थोड़ा मीडियम लो पे कर देते हैं, मीडियम हाई पे फ्रेंड, ताकि जो हमारी लौकी है वो अच्छे से गल जाए। इस पर हम अपनी लीड रख देते हैं ताकि अच्छे से पक जाएगी अंदर से और भी अच्छे से। चलिए फ्रेंड 5 मिनट बाद खोल के देखते हैं कैसा हुआ है हमारा लौकी। ये जो दूध उबल रहा है यही हमारे जो लौकी का हलवा जो होगा वो इसका टेस्ट तो बस यही बढ़ा देता है आधे से ज़्यादा। तो ये देखिए कितना अच्छे से पक रहा है हमारा लौकी और दूध। इसको हमें एकदम गाढ़ा सा कर लेना है, इसका जो दूध है बस वो दूध जैसा ना दिखाई दे, हमें ये सारा ही दूध जला लेना है इसमें। ये देखिए फ्रेंड हमारा दूध सारा जल गया है इसमें, जो हमने जितना भी 1/2 किलो के करीब दूध डाला था हमने इसमें कढ़ाई में, आप देख सकते हैं सब कुछ जल सारा इसमें दूध जल गया है। अब हम क्या करेंगे इस स्टेज पर, अब हम डालेंगे अपनी चीनी। ये देखिए दूध जल गया है, अब हम इसमें डालेंगे अपनी चीनी। ये हमने 200 ग्राम के करीब चीनी ली है, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप इसमें से कम भी कर सकते हैं चीनी को। ये देखिए हमने इसमें चीनी डाल दी है, जो चीनी भी तकरीबन हमारी घुल गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट, इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं फ्रेंड, जो भी आपको पसंद हो, मैं अपनी पसंद के ले रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो भी ये अभी चाशनी जो दिख रही है इसमें, इसको हमें अच्छे से जला लेना है।
ये देखिए फ्रेंड, हमारी चाशनी भी तकरीबन जल ही गई है, थोड़ी सी बची है वो भी जलने जाएगी। इससे पहले हम डाल देते हैं अपना इलायची पाउडर, इससे जो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इलायची पाउडर से। इलायची पाउडर तो हम अपनी सारी ही मिठाइयों में मिक्स करते हैं, इसके बगैर तो हर मिठाई अधूरी लगती है। तो इसको मिलाने से एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है हमारी हर मिठाई में। और डाल देते हैं हम थोड़ा सा अपना खोया। खोया डाल के हमें इंस्टेंटली चलाना होता है जल्दी जल्दी, ताकि हमारा खोया ऐसा लंप्स ना बन जाए इसमें किसी तरह के, कि ये दानेदार ना दिखे और इसे जल्दी से हमारे हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हमें जल्दी जल्दी अपने हाथों से मिक्स कर देना होता है इस तरीके से। अगर आप खोया बनाएंगे ना, सॉरी हलवा, तो ये देखिए फ्रेंड हमारा हलवा कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है। ये मुझे तो बहुत ही पसंद है। अगर आप अपने घर पर इस तरीके से ये हलवा बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आने वाला है फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसको करते हैं प्लेटिंग अपने हलवे की। तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, अब इसको करते हैं सर्व। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंस्टेंटली एकदम फास्ट तरीके से कितनी अच्छे से कितना लजीज हलवा बनकर रेडी हो गया है। तो आप भी अपने घर पर इसी तरीके से इस हलवे की रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली को बहुत प्यार से खिलाएं। अपनी दोस्त सोना को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, मेरी जो वीडियो के सब्सक्राइबर के बाद अगर आप बेल आइकन का बटन भी दबा दें मुझे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरी रेसिपी कैसी लगी इसका कमेंट भी आप मुझे करके बता सकते हैं। तो अपनी दोस्त सोना को दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।